क्या सरफराज अहमद को प्यार करने में हम ध्रुव जुरेल को दरकिनार कर गए? क्या ध्रुव जुरेल के डेब्यू को वो इंपॉर्टेंस हमने नहीं दी जो वो डिजर्व करता था? क्या सरफराज खान के किस्सों कहानियों के बीच में ध्रुव जुरेल गुमनामी का शिकार होने लगे? हम सब ने सरफराज के फादर के लिए तालियां बजाई, इमोशनल कहानियां पढ़ी, बहुत सारी बातें की, लेकिन क्या हम और आप ये जानते हैं कि ध्रुव जुरेल के फादर कौन है? सरफराज के संघर्ष पर हम सब ने इंस्पिरेशन ली, लेकिन क्या ध्रुव जुरेल की कहानी से हम वाकिफ भी हैं? क्या क्रिकेट लविंग कंट्री की जगह हम क्रिकेटर लविंग कंट्री बनते जा रहे हैं? आप में से कितने लोग जानते हैं कि ध्रुव जुरेल को डेब्यू कैप किसने दी थी? क्योंकि अनिल कुंबले की सरफराज को डेब्यू कैप की तस्वीरें हर जगह वायरल है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि ध्रुव जुरेल के फादर क्या करते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि ध्रुव जुरेल के फादर एक आर्मी के वेटरन रह चुके हैं जिन्होंने करगिल वॉर लड़ी थी? क्या आप इस बात को जानते हैं कि ध्रुव जुरेल की मॉम ने पहली बार उसे किट दिलाने के लिए अपनी गोल्ड की चेन बेच दी थी जब वो लड़का घर में संघर्ष कर रहा था? 13 साल की उम्र में लड़का आगरा से नोएडा भागकर कोच के पास आया, प्लीज सर मुझे रख लो, पैसे नहीं है, जिस दोस्त ने बुलाया था उसने घर में जगह नहीं दी है, फोन नहीं उठा रहा है, मेरे को रख लो, परफॉर्म करूंगा मैं। क्या हमने सरफराज के बीच में ध्रुव को भुला दिया? एंड ये तकलीफ देता है, अब तकलीफ दे रहा है। मतलब सरफराज को लेकर मैं उन जर्नलिस्ट में से हूं जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, तो आप में से अगर कोई मुझ पर डाउट कर रहा है तो प्लीज गो एंड चेक माय ओल्ड वीडियोस। आई वाज द फर्स्ट वन जिसने सरफराज को लेकर बातें शुरू की थी। सरफराज के फादर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, हमारी रोज बातें होती है, मैं उनसे रोज बात करता हूं, मैं हौसला अफजाई भी करता है उनका। लेकिन अब जब मैं पलट कर देखता हूं तो मेरे मन में एक ख्याल आता है कि यार ध्रुव जुरेल के भी मॉम डैड है, और बाद में पता लगता है कि उनके डैड तो वो हैं जो करगिल में युद्ध लड़ते थे, तो बींग फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड हमारा रिस्पेक्ट तो वैसे भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ध्रुव जुरेल की कहानियां पढ़ता हूं तो पता लगता है कि यार वो 13 साल की उम्र में घर से भाग कर नोएडा आया था कि सर प्लीज मुझे खिला लो, प्लीज मुझे खिला लो, एक कोच के पास मैं अच्छा करूंगा। वो उसे पूछते हैं कैसे आए हो, कितना ट्रेन पकड़ के आया, आगरा से आया हूं, भाग कर आया हूं। फादर क्यों नहीं आए? क्योंकि फादर, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, उनकी 13वीं है, मुझे खेलना है, आप मौका दोगे मैं अच्छा कर दूंगा। ये वो लड़का है जिसने अपने घर में लड़ाई की, पहले किट नहीं थी, पैसे नहीं थे, मॉम डैड से कहा प्लीज किट दिला दो, नहीं पैसे थे, बाद में मॉम ने अपनी ज्वेलरी बेची और इस लड़के के लिए किट का अरेंजमेंट हुआ। इसको भी डेब्यू मिला, 46 रन बनाए, मार्कवुड की 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बॉल को पीछे हटके क्या शानदार फ्लिक करके पीछे छक्का मारा। मेरे जहन में सवाल है कि हमने क्या इंसाफ किया उसके साथ? ऑफकोर्स सरफराज का संघर्ष हम लगातार सुनते आए हैं, सरफराज डिजर्व करता है ऑल रिस्पेक्ट इन एवरीथिंग, उनके फादर नौशाद साहब डिजर्व करते हैं, बट हमारे लिए दोनों बराबर है ना यार, एज अ क्रिकेट फैन। सरफराज के फादर को जब हम कमेंट्री बॉक्स में देखते हैं मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं उनसे बातें करता हूं, कमेंट्री बॉक्स में शायरियां सुनना मुझे अच्छा लग रहा था। सरफराज को रोते हुए देखना प्राउड दे रहा था कि यार तुम भी कर सकते हो। सरफराज की वाइफ की स्माइल अच्छी लग रही थी। आनंद महिंद्रा ने जब उनको लेकर लंबा चौड़ा ट्वीट किया और लिखा कि हिम्मत नहीं छोड़ना, बस हार्ड वर्क, करेज, पेशेंस, मजा आया। बट फिर दिल में यह ख्याल आया कि ध्रुव जुरेल भी था, उसने भी हार्ड वर्क किया था, उसने भी पेशेंस रखा था, उसका भी करेज था, उसके भी फादर का संघर्ष था, उसके भी मॉम डैड की त्याग तपस्याएं थी, उसका भी कोई गॉडफादर नहीं था क्रिकेट में, कोई प्यार नहीं है, कोई बैकअप नहीं था, अपने दम पर बनकर आया वो लड़का। और कोई भी लड़का जो अपने दम पर बनकर आया है उसको लेकर हमारा सर उठना चाहिए। आपको क्या ये ख्याल आया? क्या आपको लगता है कि हम क्रिकेट लविंग कंट्री की जगह क्रिकेटर लविंग कंट्री बन गए कुछ स्पेसिफिक खिलाड़ियों को? क्योंकि अगर खेल पसंद करते हैं तो हमारे लिए दोनों खिलाड़ी बराबर। क्यों ध्रुव जुरेल के साथ? और परफॉर्मेंस भी इतनी बुरी नहीं थी, मतलब ध्रुव जुरेल ने भी अगर आप देखेंगे तो जो रन बनाए 46 वो किसी भी विकेट कीपर के द्वारा इस सीरीज के हाईएस्ट रन है। विकेट कीपिंग भी अच्छी कर रहे हैं और काफी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन अब ये सवाल बनता है और ये सवाल उठाना चाहिए कि ध्रुव जुरेल के मम्मी ने जो चेन बेची थी उसको लेकर भी उनके लिए तालियां बजनी चाहिए।
ध्रुव झुरेल के पापा ने जो संघर्ष किया था उसके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। ध्रुव झुरेल के संघर्ष, उसके पेशेंस पर, उसके धैर्य पर, उसके हार्डवर्क पर भी तालियां बजनी चाहिए। 140 करोड़ की आबादी से निकलकर अगर वो टॉप 11 में आया है और खेल रहा है तो हमें आपको उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, एंड ही डिजर्व्स इट। सरफराज भी डिजर्व्स इट। सरफराज के लिए बहुत सारी तालियां आपने बजाई है, ग्रेट। सरफराज इज आवर हीरो, बट ध्रुव झुरेल इज आवर हीरो टू। हमें हमारे खिलाड़ियों के बीच में भेदभाव नहीं करना है। लेट्स जस्ट होप कि जो गलती मैंने की, जो गलती आपने की, जो गलती हम सब ने की, उस गलती को हम सुधारते हैं। ध्रुव झुरेल को यह एहसास कराते हैं कि वो अलग नहीं है, उसके लिए भी उतना ही इज्जत है, उतना ही सम्मान है, उतनी ही हौसला अफजाई है। दोनों खिलाड़ी हमारे बराबर है, दोनों हमारा गुरूर है, हमारी शान है, हमारी मान है, हमारी आन है, एंड दिस यंग बॉय डिजर्व हाइप टू। सो ध्रुव झुरेल, वेल डन डूड, वेल डन।